मैं इन युवा के साथ हाथ से हाथ मिला के खड़ा रहने चाहूँगा जो इंडियन आर्मी को भर्ती करवाने के लिए, रैली करवाने के लिए ये आज रोड पे खड़े हैं और रोड पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा करो। मैं इन भारत के भविष्य के लड़के के साथ खड़े रहना चाहूँगा जो आज भारत माँ की सुरक्षा के लिए अपने जान निसावर करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए आज रोड पे खड़े हैं। हाय दोस्तों, मैं सुशील छेत्री, मेरी चैनल में स्वागत है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चे आज रेडी है अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए और आज रोड पे उतरे हैं अपने भारत माता को रक्षा करने के लिए और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमें भी एक मौका दिया जाए अपने माँ को रक्षा करने के लिए। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा है कि इसी प्रकार से आप लगन से मेहनत करते रहो, आपकी भारत माँ, आपकी भारत सरकार ज़रूर इस बात को सुनेगी, क्योंकि आप इस भारत माँ के बेटा और बेटियाँ हो। ये बच्चे बस अपने काबिलियत का हक मांग रहे हैं, ना कि सीधा नौकरी। जो काबिलियत है वो भर्ती होगा। इनका मांग यही है कि इंडियन आर्मी का रैली करवाया जाए ताकि समय रहते, एज रहते ये अपने भारत माँ के सुरक्षा और अखंडता रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाए और बॉर्डर में जाके अपने भारत माता को रक्षा प्रदान कर सके और अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर एक भारत, मजबूत भारत बनने में एक हकीदारी, एक पहलदारी कर सके। क्योंकि आप सभी को पता है भारत लगाए पूरा विश्व पिछले दो साल से, यानी 2019 से एक प्राकृतिक आपदा कोरोना वायरस पैंडेमिक में भुगता है। इसका सीधा असर मीडियम परिवार से लेकर खासकर जो युवा है, जो भारत सरकार के लिए सुरक्षा के लिए बिल्कुल तत्पर है, उनके ऊपर भी पड़ा है। क्योंकि ऐसा कोई रैली हो ही नहीं रहा जो अपने समय रहते, अपना एज रहते, 21 साल एज रहते, अपने भारत माता के सुरक्षा के लिए जो काबिलियत लड़के हैं वो भर्ती देख नहीं पा रहे, क्योंकि पैंडेमिक के चलते भारत सरकार ऐसा कोई फैसला ले भी नहीं पा रही है। तो उन लोगों का मांग यही है कि जल्दी से जल्दी रैली करवाया जाए और जो काबिलियत लड़के हैं वो भर्ती हो सके। दोस्तों, जो 2019 से लेकर जो आज तक जिसका उम्र 19 से 20 तक था, अभी उनका 21 साल एज हो गया है और उनका इंडियन आर्मी भर्ती के नहीं देख पाएंगे, मतलब एक जीडी के अंदर भर्ती देख नहीं पाएंगे। दोस्तों, मैंने इस 2021 तक, मतलब जिसका एज 21 साल है, उनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ। मैंने इस वीडियो के अंत में इन स्क्रीन में उस वीडियो को दिया हूँ, आप ज़रूर क्लिक करके एक बार ज़रूर देखिए। हो सकता है आपको उस वीडियो से एक मोटिवेशन मिले, एक हौसला मिले और आगे काम करने का एक जोश और जुनून मिले। इंडियन आर्मी की भर्ती जो है दो तीन साल से नहीं आ रही है और इस साल भी आने की उम्मीद कम लग रही है। मैं इन भाइयों के बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि भाइयों, प्लीज़ अपना संयम रखें, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, भारत सरकार इस बात को ज़रूर सुनेगी। साथ ही मैं MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत सरकार से ही गुजारिश करना चाहूँगा कि इन बच्चों की बात को थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हो सकता है तो दो साल का रिलैक्सेशन दें ताकि जो इस पैंडेमिक के चलते जिनका उम्र 21 साल पार हुआ है, तो ये बच्चे अपने काबिलियत के हिसाब से भारत के सुरक्षा को और अखंडता रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर आए और दुश्मन के साथ एक्टिव होकर दुश्मन के साथ डट के सामना कर सके। ये उनको हौसला मिलेगी और एक भारत एक ऊंचाई पे और ज़्यादा पहुंचेगी और उनका मोरल हाई होगा। तो दोस्तों, ये डिसीज़न आपको कैसा लगा? आपके पास भी ऐसा कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। अगर अच्छा है तो मैं ज़रूर पिन करूँगा और इसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा कि आप इन बच्चों के साथ खड़े हैं, कि आप भारत माता के इन सपूतों के साथ खड़े हैं। अगर हाँ तो ज़रूर साथ दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर एक भाई के लिए ज़रूर मदद करिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाते हुए बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे आपके पास आता रहेगा, क्योंकि मैं ग्राउंड रिलेटेड, फौजी रिलेटेड और अपने तजुर्बे के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। आपको अगर पसंद आया हो तो ज़रूर अपना ख्याल रखिएगा,
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिहारों के जो 13 जिले हैं, जैसे कि प्रतापगढ़ है और फैजाबाद है, अम्बेडकर नगर है, कसामी है, बस्ती है, और भी जो सभी लोग आए हुए हैं भैया यहाँ पे धरना प्रदर्शन। हमारी इंडियन आर्मी की भर्ती जो है दो तीन साल से नहीं आ रही है और इस साल भी आने की उम्मीद कम लग रही है। हम लोग चाहते हैं कि 2021 के लास्ट तक हम अक्टूबर तक हम लोग की इंडियन आर्मी की भर्ती आ जाए, बस हम लोग की यही डिमांड। और साथ ही साथ रिलेशन भर्ती बराबर लाखों लोग हैं, लाखों बच्चे डेली दौड़ते हैं सर। एज के बारे में हम लोग का जो 2 साल खराब हुआ है वो कौन देगा सर, कौन जिम्मेदार होगा? हमको इस चीज़ का जवाब चाहिए सर। जो बच्चे हमारे बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर 2 साल उनकी एज खत्म हो गई है, वो एनसीसी की है, कोई बीएससी किया, कोई एमएससी किया, भर्ती के लिए मर रहा है, भर्ती नहीं आ रही है, किसी घर में 4 बच्चे हैं, कोई भर्ती नहीं पा रहे हैं सर, उनका खर्चा कैसे चलेगा? सरकार एक ही मुद्दा सर, एज में क्या छूट मिलेगी? सरकार हमको जवाब दे।